नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबेरिया के ऊपर है, जो कि रूस का एक हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, साइबेरिया एक विशाल और विस्तृत भू क्षेत्र है और इसमें लगभग समूचा एशिया समाया हुआ है और यह एक रूस का मध्य और पूर्वी भाग है। सन 1991 तक यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। और बात करें इसकी क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल 131 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर भारत के क्षेत्रफल से तुलना करें तो यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि साइबेरिया भारत से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, साइबेरिया को समझने के लिए हमें साइबेरिया के बारे में ये तीन बातें जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि नंबर एक पर आता है साइबेरिया का इतिहास, और नंबर दो पे आता है इसका आबादी, और नंबर तीन पे आता है इसका मौसम। तो चलिए पहले हम इसका इतिहास को समझेंगे। दोस्तों, आज से लगभग 25 से 50 करोड़ वर्ष पहले, यानी पृथ्वी पर मनुष्य को आने से पहले, साइबेरिया की बहुत से क्षेत्रों में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो कि करीब 10 लाख साल तक चलते रहा। माना जाता है कि इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवों की नस्लें मारी गई। साइबेरिया के पठार के जमीन इन्हीं विस्फोटों में उगले हुए लावों से बनी हुई है। साइबेरिया में मानव उपस्थिति का चिन्ह लगभग 40,000 साल पुराने हैं। समय के साथ यहाँ बहुत सी जातियाँ बस गई। 13वीं सदी में साइबेरिया पर मंगोल का कब्जा हो गया और 14वीं सदी में एक स्वतंत्र साइबेरिया सल्तनत स्थापित हुआ। मंगोलों के दबाव से बैकाल झील के पास बसने वाले याकूत लोग उत्तर की ओर जाकर बस गए। यहाँ पर अपने ठिकानों से मंगोल पश्चिम की ओर रूस पर भी हमला किया करते हैं। 16वीं शताब्दी में रूस की शक्ति बढ़ने लगी और वे पूर्व की ओर फैलने लगे। पहले व्यापारी और इक्के दुक्के सैनिक साइबेरिया पहुंचे और उनके पीछे रूसी सेना ने आकर यहां अड्डे और लकड़ी के किले बनाने शुरू कर दिए। 17वीं सदी के मध्य तक रूसी नियंत्रण फैलकर प्रशांत महासागर तक पहुंच चुका था। सन 1709 में साइबेरिया की कुल रूसी नस्लों की आबादी 2,30,000 हो गई थी और 19वीं शताब्दी के अंत तक साइबेरिया एक पिछड़ा और बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र रहा। यहाँ रूस की शाही सरकार अपने राजनैतिक कैदी भेजा करते थे, क्योंकि यहाँ हजारों मील तक फैले बर्फीले मैदान को कोई भागा हुआ कैदी भी पार नहीं कर सकता था। 19वीं शताब्दी के अंत साइबेरिया एक पिछड़ा और बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र रहा। बात करें साइबेरिया की रेल मार्ग की तो यह रेल मार्ग रूस की औद्योगिकी पूर्व पश्चिम से साइबेरिया का नाता जोड़ा। समय के साथ साथ साइबेरिया की आबादी बढ़ती गई और साइबेरिया एक बहुत ही जनसंख्या वाला देश बन गया। दोस्तों, बात करें साइबेरिया की आबादी की तो साइबेरिया में जनसंख्या का औसत घनत्व केवल 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तुलना के लिए सन 2011 की जनगणना में भारत के बिहार राज्य के जन घनत्व 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यहां के अधिकतर लोग रूसी पहचान अपना ली है। साइबेरिया में लगभग 4 लाख जर्मन मूल भी है। बात करें यहां की मौसम की तो उत्तरी साइबेरिया बहुत ही ठंड क्षेत्र है और यहाँ गर्मी का मौसम केवल एक महीने रहता है। साइबेरिया की लगभग पूरी आबादी उसके दक्षिण भाग में रहती है और यहाँ ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग के पास ही रहती है। इस दक्षिणी भाग में सर्दियाँ तो सख्त होता है, लेकिन कम से कम 4 महीनों तक गर्मी का मौसम रहता है, जिनमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। तो दोस्तों, यही थी साइबेरिया के बारे में कुछ बातें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे।